नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं केपीसी द फाइव एलिमेंट्स। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर से मैं एक शानदार वीडियो लेक्चर, जिसमें हम डेली रूटीन में बोले जाने वाले वाक्यों का निर्माण करेंगे इन दो ईडियम और एक इस एडजेक्टिव की सहायता से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज फिर कुछ नया। तो देखिए, हमारे सामने ये तीन एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपके सामने ले लिए हैं और हमारे सामने ये दो एडियम और ये एक हमारे सामने एडजेक्टिव है, जिनकी सहायता से हम इनका निर्माण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं इस एडियम को, और इसका मतलब होता है अति जिज्ञासा काफ़ी खतरनाक होती है। इंग्लिश में इसको कहेंगे क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यानी कि अति उत्साह, अति जिज्ञासा यदि किसी में होती है तो वो काफ़ी खतरनाक होती है। अब हम दूसरे एडियम को लेते हैं, इसको बोलेंगे टू पोक वंस नॉज इनटू, तो इसका मतलब होगा कि दूसरों के कामों में दखल देना। और जो हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टांग अड़ाऊ, यानी कि मेडलसम, टांग अड़ाऊ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि वह हमेशा दूसरों के मामलों में अपनी टांग अड़ाता है, उसे पता नहीं कि अति उत्साह काफ़ी खतरनाक होता है। कैसे चेंज करेंगे इसको, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए। ही Always pokes। अब ये जो वंस है, ये इसीलिए दिया गया है ताकि पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ पर पजेसिव केस में यूज किया जा सके। तो पर्सनल प्रोनाउन का मैं कभी वीडियो बना दूंगा, पर्सनल प्रोनाउन को हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर एक बार यूज लेते हैं, ही ऑलवेज पॉक्स अपनी, यानी कि खुद की, हिज नोज इनटू अदर्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी बाहर जाके लगेगी, अदर्स बिजनेस या मैटर्स कॉमा ही डज नॉट नो, उसे पता नहीं है दैट अति उत्साह काफी खतरनाक होता है। तो इसके लिए हम अब ये जो हमारी ईडियम है उसका यूज कर लेंगे। तो अति जिज्ञासा काफ़ी खतरनाक आती है, उसी का रूप यहाँ लिख देंगे, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो इस सरलता से हम इस वाक्य को चेंज कर लेते हैं, और आपको पता है हम ऐसे वाक्य डेली रूटीन में बोलते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारा अगला वाक्य है जो इस ईडियम से हम बनाएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं इसको भी बनाना। आज कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा है क्योंकि वह हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देता है। तो ये हम ऐसे वाक्य बोलते हैं, और अपने डेली लाइफ में इसके जैसे ही अनेक वाक्य भी इसके आसपास के इसी रूप के बनाते हैं, तो इनको भी चेंज किया जा सकता है इसी तरह से। तो हम इस वाक्य को बनाकर आपको दिखाते हैं, देखिए। आज कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, No one is helping him, क्योंकि because because क्योंकि वह हमेशा दूसरों के मामलों में क्या करता है, दखल देता है, because he always pokes Hedge, nudge into others, business,